खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में होगी वाइल्ड कार्ड कॉन्टेस्टेंट की एंट्री। हो गया है खुलासा कौन है पहला वाइल्ड कार्ड कॉन्टेस्टेंट। वेल गाइस, खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 की इन दिनों शूटिंग जोरों शोरों से चल रही है, जहां डे बाय डे कंटेस्टेंट्स को एक से बढ़कर एक डेयरिंग स्टंट्स परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। तो वहीं धीरे धीरे करके एक एक कॉन्टेस्टेंट शो से एविक्ट भी होते जा रहे हैं। लेकिन साथ में ही अब खबरें आ चुकी हैं, अपडेटेड खबरों की माने तो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में बहुत जल्द वाइल्ड कार्ड कॉन्टेस्टेंट की होने वाली है एंट्री। और अब पहले वाइल्ड कार्ड कॉन्टेस्टेंट का हो चुका है खुलासा, और वो और कोई नहीं बल्कि है आप सभी की स्टार अंजुम फकी। यानी कि आप सभी ने इसके पहले भी अंजुम फकी को शो में ऑफ कोर्स सुना है कि वो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में बखूबी परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन फिलहाल जो बीच में खबरें आई थी कि वो बहुत जल्द शो से आउट हो गई थी, लेकिन अब सोर्सेस के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि अंजुम फकी को बतौर वाइल्ड कार्ड कॉन्टेस्टेंट एक बार फिर दोबारा से मौका दिया जाएगा, जिसमें वो एक बार फिर स्टंट्स को परफॉर्म करते हुए खुद को प्रूव कर सकती हैं। तो वैसे में देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अंजुम फकीर को जब मिलता है ये दोबारा दूसरा मौका, वो भी बतौर वाइल्ड कार्ड कॉन्टेस्टेंट, तो वैसे में अंजुम फकीर क्या कुछ कमाल धमाल मचाती हैं। हालांकि इन खबरों की अब तक कोई भी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशंस नहीं आए हैं सामने, अब तक सोर्सेस के हिसाब से सिर्फ ये खबरें सामने आई है। वलाम बताएं, अंजुम फकीर को बतौर वाइल्ड कार्ड कॉन्टेस्टेंट एक बार दोबारा से खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में मौका मिलना चाहिए या नहीं। हालांकि उनके फैंस तो काफी सुपर एक्साइटेड है इस खबर को सुनकर। वेल, डू लेट अस नो योर रिएक्शन इन द कमेंट सेक्शन।